नमस्कार दोस्तों, तूफानी पहाड़ी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में, यानी कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, और पिछले लेक्चर में हम लोग 1773 से लेके, यानी कि 1773 से लेके 1853 तक जितने भी एक्ट्स हुए थे उसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अगर आप इससे पहले, अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर, तो आप पहले जाके, मैं एडवाइस करूँगा कि आप पहले जाके वो लेक्चर देखो, यानी कि 1773 से 1853 तक का लेक्चर देखो, और उसके बाद आप यहाँ पे आओ। थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो पढ़ा था कि 1773 से लेके 1853 तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल कर रही थी, तो कैसे कैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपनी जो है, आप कह सकते हो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना कंट्रोल बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1853, यानी कि हमें पता है एक ईयर जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है वो होता है 1857, जब हुई थी आपकी रिवोल्ट, यानी कि 1857 का रिवोल्ट। अब जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो एक चीज़ आपको हिस्टोरिकली मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि हम लोग सोचते हैं कि 1857 का रिवोल्ट ब्रिटेन के खिलाफ, नहीं, 1857 का रिवोल्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ है। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया कि 1853 तक जो रूल कर रही है अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही है, चाहे उस पर कंट्रोल जो था वो ब्रिटेन का था, बट फिर भी जो मेन, अगर आप बोलो कंट्रोल दिख किसका रहा था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल दिख रहा था, ना कि ब्रिटेन गवर्नमेंट का कंट्रोल दिख रहा था। आज के जो हम एक्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1858 से जिस एक्ट की हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे अब क्या होगा कि डायरेक्टली ब्रिटेन पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही बंद कर देगा। तो यहाँ पे एक मीन्स के लिए आपका बॉर्डर बन सकता है, पॉइंट बन सकता है, क्या 1857 का रिवोल्ट फेलियर था या वो सक्सेस था। अब हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि इट वॉज अ मिथ, कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि 1857 का रिवोल्ट फेलियर था, नहीं थी। जिस चीज़ के खिलाफ वो रिवोल्ट किया गया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने की बात की गई थी, उस चीज़ में इंडिया जो है वो सक्सेसफुल रह चुका था। तो अब चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग 1861 के एक्ट पे पढ़ जाएंगे, फिर 1892 का एक्ट पढ़ेंगे, और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के साथ हम इस लेक्चर को, यानी कि एंड कर देंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले एक्ट की तरफ, यानी कि गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ 1858। तो पहली बात तो ये, इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ही क्यों कहा गया। इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इसलिए कहा गया क्योंकि जो मेन चीज़ थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा, वो इस चीज़ से हो चुका था। तो इस एक्ट ने सबसे पहले आकर तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया। और देखिए अब हुआ क्या, यहाँ पे रूल कौन करेगा, रूल करेगा ब्रिटिश क्राउन। तो देखिए ब्रिटेन ने कितनी चालाकी से आप पे रूल करना स्टार्ट किया, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको वो दिखा रहा था कि वो आप पे रूल कर रही है, हमने तो आप पे रूल ही नहीं किया, और बोला कि क्योंकि ब्रिटेन का ग्राउंड बहुत अच्छा है, जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया इंडिया की भलाई के लिए, और फिर आके ब्रिटेन अब डायरेक्टली यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देगा। तो यही पहला फीचर है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक नया टाइटल दिया गया, यानी कि किसका टाइटल दिया गया, वायसराय का टाइटल दिया गया। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि गवर्नर जनरल और वायसराय क्या वो एक ही इंसान थे, क्या वो एक ही पावर थी। तो नहीं दोस्तों, इंसान सेम है, यानी कि गवर्नर जनरल जो नाम है और वायसराय जो नाम है, वो दोनों सेम नाम, यानी कि एक ही इंसान को दोनों नामों से जाना जाता था। बट इसमें डिफरेंस दोस्तों क्या है कि अब जहाँ जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी, वहाँ पर तो रूल करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जहाँ पे रजवाड़े आ जाएंगे, अब रजवाड़ों से जब बात की जाएगी, यानी कि ब्रिटेन क्राउन में रजवाड़ों से जब बात की जाएगी, तो उस बात का मेन कंट्रोलर कौन होगा, उस बात पे मेन पार्टिसिपेटर होगा आपका वायसराय ऑफ इंडिया। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों, आप बात कीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक रियासत थी दोस्तों, पटियाला की रियासत। तो अब पटियाला की रियासत पर रूल करते हैं राजा, और आप एक एरिया लगा लीजिए कोई भी, फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ लगा लो, चंडीगढ़ वैसे तो कोई प्रोविंस भी नहीं था उस टाइम पर, फिर भी हम लोग चंडीगढ़ एग्जांपल लेके चलते हैं। तो पटियाला पे जब चंडीगढ़ की बात की जाएगी, तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा वो रिपोर्ट करेगा
ब्रिटेन गवर्नमेंट थे। पर जब पटियाला की बात की जाएगी तो पटियाला में क्योंकि रजवाड़े यानी कि एक प्रिंस शूट कर रहा है, तो प्रिंस की बात रखने के लिए जब प्रिंस की बात ब्रिटेन क्राउन के सामने रखी जाएगी तो वो बात कौन रखेगा? आपका वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो प्रिंस की ओर यानी कि रजवाड़ों की ओर से ब्रिटेन क्राउन के सामने बात रखेगा। और पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड केनी। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने दो नाम पढ़े थे, एक तो पढ़ा था GGB यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ा था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरन हेस्टिंग। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे? सर विलियम बेंटिक। तो अब दोस्तों आपका पहला सवाल आज के लेक्चर में, जिसको मैं बोलता हूँ हम लोग क्या करेंगे हर क्लास में, एक रिविजनर क्वेश्चन है कि ताकि जो भी आप पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हो उसी के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में पूछा करूँगा, जिसका आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। आपको मेरे को बताना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है वो कौन से एक्ट में क्रिएट की गई थी, यानी कि कौन से एक्ट के अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई थी। तो ये है आपका पहला सवाल। अब दोस्तों यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट को उसको बोला गया कि डुअल गवर्नमेंट को एंड कर देगा, तो डुअल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट ऑफ 1773 वाला नहीं है, यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे जो मैंने आपको समझाए थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों की पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया और अब इनकी जगह पे एक नया डिपार्टमेंट जिसको हम क्या बोलोगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का काम क्या था? उसका काम था कि जो भी जगह, जैसे कि अगर आज के टाइम पे मैं आपको बात एग्जाम्पल लेके चलता हूँ फॉरेन सेक्रेटरी से, तो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी कौन होते हैं? यह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एग्जाम्पल है। तो फॉरेन मिनिस्टर का काम क्या होता है कि अगर इंडिया का कोई भी फॉरेन किसी फॉरेन कंट्री से बात करनी है तो उसके बारे में बात हमेशा इंडिया की तरफ से कौन करेगा? फॉरेन मिनिस्टर बात करेगा। वही काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था, यानी कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं जब भी वहाँ पे कोई ना कोई बात करनी है तो वो बात कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट, और वो रिपोर्ट करेगा पूरी की पूरी ब्रिटेन गवर्नमेंट को। और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने दोस्तों? पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने अर्ल स्टेनली। तो अर्ल स्टेनली जो थे वो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 सदस्य यानी कि 15 मेंबर काउंसिल दी गई जिसके वो हेड थे। और एक चीज़ आपने याद रखना है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना था, यानी कि ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, कोई परमानेंट बॉडी नहीं थी। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए और ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो वो ब्रिटेन क्राउन डिसाइड करेगा कि क्या उन बातों को उसने मानना है क्या या वह उन बातों को नहीं मानेगा। तो ये था दोस्तों एक्ट ऑफ 1850 यानी कि जिसको नाम दे गुड गवर्नमेंट एक्ट के, ताकि हम आपके लिए अच्छा करने आए, कुछ भी बुरा करना नहीं आ। अब दोस्तों आते हैं दोस्तों अगले एक्ट की तरफ, यानी कि आपका एक्ट ऑफ 1861। तो 1861 का एक्ट जो है कि 3 साल के बीच में कुछ चेंजेस लेकर आएगी। चेंजेस क्या लेके आएगी दोस्तों? सबसे पहले तो जो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था, गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके बीच में 6 से 12 लोग और एडिशन किए गए, यानी कि 6 से मेंबरशिप जो है वो बढ़ाएगी, यानी कि अब पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ क्या हुआ दोस्तों 1862 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इन 3 लोगों का नाम क्या था? बनारस के राजा थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे, और सर दिनकर राव जो कि कौन थे? पीएम ऑफ सिंधिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंधिया, सिंधिया रजवाड़े के प्रधानमंत्री थे। तो आपको ये तीनों चीज़ें दोस्तों तीनों के तीनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 लोगों को नामांकित किया था। 3 लोगों को नामांकित क्यों किया था? वो कौन थे? राजा ऑफ बनारस, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको 1861 एक्ट में याद रखनी है वो है कि एक पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया। अब आपके दबाव में क्वेश्चन आया कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम होता है दोस्तों यानी कि किसी ना किसी को कोई ना कोई कार्यभारी देनी, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ आज के टाइम पे तो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के मिनिस्टर हैं, कोई वित्त मंत्री है, कोई राज्य मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है। तो इनका मतलब क्या है? वित्त मंत्री को एक पोर्टफोलियो दिया गया, यानी कि फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया गया। रक्षा मंत्री को पोर्टफोलियो किसका दिया गया? डिफेंस का पोर्टफोलियो दिया गया। तो उस चीज़ की शुरुआत, यानी कि किसी ना किसी स्पेसिफिक फील्ड में आपको रिकोगनाइज करना कि ये जो डिपार्टमेंट है इसको आप देखोगे, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिंपल भाषा में पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसकी शुरुआत किसने की थी? 1861 के एक्ट में, और लॉर्ड कैनिंग ही लेके आए थे। ठीक है दोस्तों,
अब आते हैं दोस्तों अगले एक्ट की तरफ, यानी कि 1892 के एक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली रिलेट करोगे तो इससे पहले 1885 में कांग्रेस बन गई। तो कांग्रेस का निर्माण हुआ 1885 में। अब उसके बाद ये पहला एक्ट था जब कांग्रेस एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेस बहुत ज़्यादा अपनी मांग लेके आएगी ब्रिटेन के सामने और उनकी कई मांगों को यहाँ पे माना जाएगा। सबसे पहली एक मांग थी कांग्रेस की तरफ से कि इंडिया की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो रही, भारत की पार्टिसिपेशन दीजिए। हमने क्या पढ़ा अभी पीछे 1861 वाले एक्ट में कि 1862 में तीन लोगों को तो नामांकित कर देगा, बट वो तीनों के तीनों कौन थे? तीनों के तीनों थे रजवाड़े। बनारस के राजा को किया गया, पटियाला के महाराजा को किया गया और सिंधिया के प्राइम मिनिस्टर को किया गया, बट आम लोगों के लिए यानी कि जो नॉर्मल ब्रिटेन प्रोविंसेस है उनमें से किसी की पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाई। तो सबसे पहली बात होती है कि आप हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका दो। तो उसको लेके आगे आ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन बढ़ाए गए और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उनकी भी स्ट्रेंथ जो थी वो बढ़ाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या की गई, अगर आपने किसी को चुनना है तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि इलेक्शन करवाइए। हम लोग ऐसे नहीं कि आप हमें नॉमिनेट करो, हम चाहते हैं कि हम चुन के ताकि लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। क्योंकि कांग्रेस की दिमाग थी इलेक्शन करने की, बट ब्रिटेन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाना, तो ब्रिटेन ने प्रपोजल रख दिया कि हम आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन करने की प्रोविजन जो है वो दे देते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि आप लोगों को चुनोगे तो सही बट डायरेक्टली नहीं चुनोगे, यानी कि मैं डायरेक्टली वोट नहीं करूँगा, मैं किसी को वोट करूँगा आगे वो मेरे बिहाफ पे किसी को चुन लेगा। यानी कि जिस तरह आप राज्यसभा के मेंबर को चुनते हो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसको हम लोगों चिंता नहीं करनी, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट सिर्फ थोड़े से एग्जांपल लेने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है। राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होती है? हम लोग लोकसभा के चुनाव के लिए डायरेक्ट वोट करते हैं, हमें पता होता है हमारा MLA कौन है और जिसको हमने चुनना है वो होता है लोकसभा के चुनाव में। बट जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा के चुनाव में हम अपने प्रत्याशी को डायरेक्टली नहीं चुनते। होता क्या है, जिसको हमने लोकसभा में MLA चुना होता है वही लोग वोट करके किसी न किसी को अपना राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। यानी कि अब वो क्या हुआ, हमारी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ही, हमारी यहाँ पे इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। कुछ और प्रमुख इंडियन लीडर्स थे जिनको कि इसमें ऐड किया गया, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, रास बिहारी घोष, तो इन सबको अब इनका वे बन गया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेंबर्स बढ़ाए गए तो ये सब कहीं ना कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने स्टार्ट किए गए। तो एक चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्शन वर्ड डायरेक्टली यूज़ नहीं किया गया था उस एक्ट के अंदर। तो आपने ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसके ऊपर डायरेक्टली सिंपल यही आता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात जो है वो किस एक्ट में की गई। तो आपने याद रखना है 1892 के एक्ट में सर इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। दूसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पे जो बात की गई थी कि कांग्रेस चाहता हमारी पार्टिसिपेशन पड़े, तो हमारे हमें बजट की हमें बजट के बारे में हमें हम लोग भी चाहते हैं कि आप क्या चीज़ें करना चाहते हो। तो एक पावर दी गई कि ठीक है आप बजट में पार्टिसिपेट कर सकते हो बट आपके राइट्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड रहेंगे। पर राइट्स लिमिटेड कैसे रहेंगे दोस्तों? तो बोला गया कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो और अपने क्वेश्चन उठा सकते हो। यानी कि एक और चीज़ जो कांग्रेस ने 1885 में जो कांग्रेस बनी है जो जो वो मांगे उठा रही है, कैसे उनकी मांगों को भी कहीं ना कहीं पे इस एक्ट के अंदर लाया जा रहा है। कांग्रेस चाहती थी कि हम चाहते हैं हम आपके साथ डिस्कशन करें कि आप क्या कर रहे हो हमारे साथ, तो बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई और पूछा गया कि आप हमें क्वेश्चन बता सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे ट्रिक क्या खेला गया था, ट्रिक ये खेला गया कि आप सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकते हो और सिर्फ सवाल पूछ सकते हो, सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं ये ब्रिटेन के ऊपर था। और अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो सिर्फ आप बोल सकते हो कि हाँ हम ये चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है कि वो डिस्कशन करेंगे कि नहीं। यानी कि ट्रिक क्या, डिस्कशन की पावर दी गई बट आपको उस डिस्कशन के ऊपर बहस करने के बारे में या आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं, आप अगर कोई सवाल पूछ रहे हो तो क्या आपको उसका जवाब मिलेगा ये डिपेंड करता है ब्रिटेन के ऊपर। अगर वो जवाब देना चाहते हैं तो वो दे भी सकते हैं, नहीं तो वो मना भी कर सकते हैं। तो ये था 1892 के एक्ट के बारे में जो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस और पावर ऑफ डिस्कसिंग दी बजट। अब चलते हैं दोस्तों अगले एक्ट की तरफ, यानी कि 1909 के एक्ट की तरफ।
और ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जाता है जब भी हम लोग सॉरी तो ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जाता है जब भी हम लोग कभी भी इंडियन पॉलिटिक्स के रिफॉर्म्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, इसको नाम दिया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कई पेपरों में कि मॉर्ले मिंटो एक्ट जो है वो किसको बोला गया, तो वो बोला गया था 1909 के एक्ट में। और मॉर्ले मिंटो में आपने मेन चीज़ क्या याद रखनी है, लॉर्ड मॉर्ले जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका नाम पहले आया गया, और जो वाइस रॉय हैं या जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो थे गवर्नर जनरल, और वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले। अब यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें, सबसे पहले फिर हिस्ट्री से रिलेट करूँ, क्योंकि जो एक्ट बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में कोई ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके कारण वो एक्ट में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब दोस्तों एक सिंपल से हम लोग बात करेंगे 1906, तो 1906 में दोस्तों क्या होगा, मुस्लिम लीग जो है वो बनी 1906 में। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और मुस्लिम लीग में सबसे पहले बात की गई थी कहीं ना कहीं पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाएगी, यानी कि हम चाहेंगे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो इकट्ठे ना हो, अलग हों। और हमें पता है इसी से पहले क्या हो चुका था, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो चुकी थी 1905 में, ठीक है ना। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन हुआ, और उसी समय मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी। जब मुस्लिम लीग बनी, बंगाल का विभाजन हुआ, तो मुस्लिम लीग की जब आप बंगाल का विभाजन, तो आपने किस भाषा के बोला, आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली, बट आपने हिंदू और मुस्लिम अलग कर दिए। और उसी समय में 1909 के एक्ट में उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए एक नई चीज़ लाएगी, जिसको हम क्या बोला जाता है, प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ, मुसलमानों को आपने एक अलग हक दे दिया। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी मुस्लिम डोमिनेंस है, यानी कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक तो उनके अध्यक्ष जो हैं वो मुस्लिम चुने जाएंगे, और उनको चुनेगा भी कौन, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स। तो देखिए ट्रिक कितना बड़ा है, एक तो जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे चुनने को आएगा, सिर्फ मुस्लिम ही चुन के आएगा। बट उसमें सबसे बड़ा ट्रिक क्या डाला, कि वोट भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही करेगा, और कोई जो दूसरी लोग, दूसरी धर्म के लोग हैं वो वोट भी नहीं कर सकते। यानी कि सबसे पहले चीज़ तो की क्या स्टार्ट की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए मुस्लिम्स को। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या की गई, जो अब आते हैं 1892 से, इसको रिलेट करते हैं। तो 1892 मैंने आपको क्या बोला था, कि बजट को डिस्कस करने की बात की थी। तो अब बोला गया कि नहीं जी, आप डिस्कस तो करोगे, अब आप लोगों को सप्लीमेंट्री, आप लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब कि हम आपको अगर कोई जवाब देते हैं, तो अगर आप उस जवाब से सहमत नहीं हो, तो आप दोबारा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे को पूछा जाता है कि भारत में बेरोजगारी कितने प्रतिशत है, और कहा जाता है कि भारत में बेरोजगारी बहुत कम है, तो मैं काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी कम है। यानी कि अगर मुझे कोई जवाब मिला तो मैं उसको काउंटर सवाल भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ थी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के बारे में। और दूसरा क्या था, आप रेजोल्यूशन पा सकते हो बजट के ऊपर। अगर आपको बजट में कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो, कि हमें बजट में ये चीज़ पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव लेकर आना। तो ये चीज़ कही कि 1892 के बीच, 1892 से इसको रिलेट किया गया। और पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्टिसिपेट बनाया गया। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो 1862 के एक्ट से, यानी कि 1861 के एक्ट में, सॉरी 1862 नहीं 1861 का एक्ट। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, कि तीन इंडियंस को नॉमिनेट किया गया गवर्नर के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब आपने यहाँ पे याद क्या रखना है, वो तीन इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब बट यहाँ पे बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, और यहाँ पे जब पहली बार किसी इंडियन को नॉमिनेट किया गया 1909 के एक्ट में, और उनका नाम क्या था, लॉर्ड एसपी सिन्हा, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले भारतीय थे जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेम्बर बने। और वो मेम्बर किस में बने, वो बने एक लॉ मेम्बर, यानी कि एक कानूनी विशेषज्ञ बने और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो
तो ये चीज़ भी याद रखनी है। देखो इस सेक्ट में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको वैसे ही याद रखनी है, जो कितनी इंपॉर्टेंट है इस सेक्ट के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था 1892 में कि वहाँ पे आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, बट आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही पूछ सकते हो और आप कोई रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या किया गया उस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी लोग उसके खिलाफ हो, तो बोला गया नहीं ठीक है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ लीजिए और आप हमसे रेजोल्यूशन भी ले लीजिए, ठीक है जी। आप हमारा जो अगर आप इस चीज़ से खफा हो तो आप उस चीज़ को ले जाओ। पहली बार भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट किया गया। तो देखो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटेन कहीं ना कहीं इंडिया की पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा है। और फिर क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। किस किस को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुसलमान वोटर्स को, और कहाँ पर? सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज में। क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कॉमनलिज्म यानी कि फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो ये तो आप यहीं से याद कर सकते हो कि जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है, क्योंकि वो धर्म के ऊपर बात हो रही है, कॉमनलिज्म के ऊपर हो रही है, तो उसी से आप इस चीज़ को भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 1909 का एक्ट। अब चलते हैं दोस्तों अगले एक्ट की तरफ, यानी कि 1919 की एक्ट की तरफ। अब अगर 1919 के एक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका नाम क्या दिया गया? इसको बोला गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उसका नाम हमने पढ़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी पढ़ सकते हो, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या याद रखना है, अब यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? मॉन्टेग्यू। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं वो क्या थे? वहाँ के गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय। अब थोड़ा सा अगर मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं कि क्यों 1919 में ये एक्ट आया, तो 1917 में ब्रिटेन ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम अपने आप को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चाहते हैं, यानी कि और चाहते हैं कि भारत में और रिस्पॉन्सिबल यानी कि भारतीय लोगों के रिलेटेबल और अच्छी के गवर्नमेंट हम लोग लेके आए। और इसके बीच में देखिए अब कैसे वो देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब से ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा है, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट ब्रिटेन देख चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो अब वो कहीं भी किसी भी हालात में ये नहीं चाहता था कि रिवोल्ट, तो वो कहीं ना कहीं पे जो भी मांगे आप रख रहे हो, पूरी मांगे नहीं मान रहा, बट कहीं ना कहीं पे ऐसी मांगे मान लेता है जहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि इंडिया की पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ लेकर आई जाती है जिसको कि सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, डायार्की। डायार्की का मतलब डुअल स्कीम। अब डुअल स्कीम को आप छोड़ दो, जो आपने लाइन लिखी है डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं डायार्की का मतलब क्या होता है। डायरी का मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी कि आपने डबल रूल करना है। डबल रूल का मतलब क्या है, जिसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो पावर्स हैं उनको आप सेपरेट कर दो। पावर सेपरेट कैसे करोगे? आप चाहते हो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, यानी कि कुछ चीज़ों पे आप चाहते हो कि स्टेट को पावर दे दो और स्टेट अपने रूल बना लेगी, बट कुछ चीज़ों को आप चाहते हो रिजर्व, यानी कि मेरे पास ही ये सब्जेक्ट मेरे पास ही। फिर एग्जांपल समझते हैं इसके ऊपर क्या एग्जांपल बन सकती है। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें मॉडर्न कंटेक्स्ट में, तो एक सीबीएसई बोर्ड होता है और एक स्टेट बोर्ड होता है, यानी कि अगर आप हिमाचल स्टेट बोर्ड की एग्जाम कर सकते हो, तो अगर सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न होता है, सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया सेम रहता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, वो ये नहीं है। अगर हिमाचल स्टेट हिमाचल बोर्ड बोलता है कि आपको हिमाचल जीके पढ़नी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के लिए है, हिमाचल बोर्ड सिर्फ आपको हिमाचल में हिमाचल जीके पढ़ाएगा। अगर सीबीएसई आपको बोल देता है कि आपको हिमाचल जीके पढ़नी है और ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो फिर पूरे इंडिया को ही हिमाचल जीके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं रिजर्व सब्जेक्ट, ये तो क्या ट्रांसफर कि आपने एजुकेशन को ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। तो जीएसटी कौन लगाता है? सेंटर लगाता है, स्टेट तो नहीं लगाता। अब जीएसटी लगाने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ सेंटर को, यानी कि वो एक सेंटर का रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। जो भी जीएसटी डिसाइड होगा वो सेंटर ही डिसाइड कर सकती है, स्टेट नहीं कर सकती, यानी कि स्टेट की पार्टिसिपेशन वहाँ पे बहुत ही कम है, निगलिजिबल ही है एक हिसाब से। तो उसको बोला जाता है एक हिसाब से आपका रिजर्व सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके, यहाँ पे हमने समझाया हुआ है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे, यानी कि वो गवर्नर जनरल की जगह नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो उसको आराम से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि प्रोविंशियल काउंसिल जो भी राज्य सरकारें हैं वो उसके ऊपर काम कर सकती हैं। रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर आपको गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके पास सारी की सारी पावर दे दी गई थी,
और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास को वो पावर जो थी वो नहीं दी गई थी। अब दोस्तों एक चीज़ आपने और याद रखनी है, यहाँ पे पहली बार बायकैमरलिज्म की बात की गई। बायकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदन, यानी कि दो सदन होना, जैसे कि आज के टाइम में है लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि हमारे पार्लियामेंट जो है, हमारी जो संसद है वो द्विसदनीय, यानी कि बायकैमरलिज्म, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे पहली बार बात की गई थी कि आपको दो सदन बनाने चाहिए, और डायरेक्ट इलेक्शन की भी बात की कि आप ये चीज़ें जाके अब आप डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये दोस्तों याद रखना कि ये दोनों की दोनों एक प्रोविजन थी, जबकि ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इम्प्लीमेंट कब हुई थी? 1935 के एक्ट में जाके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो डायरेक्टी का मतलब आई थिंक आप समझ चुके हो कि डायरेक्ट का मतलब क्या था, कि पावर्स को अब बांट देना, ठीक है, कुछ पावर्स ट्रांसफर कर दी गई और कुछ पावर्स को अपने लिए रिजर्व रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन इरिगेशन जो था वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया, यानी कि पढ़ाई आप चाहते हो पढ़ाना तो ठीक है, बट फाइनेंस रख लिया अपने पास। अब यहाँ पे होता क्या था, अगर कोई इंसान चाहता है, अगर कोई एजुकेशन जिसके पास आप जिसको आपने एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे, तो वो चाहता है कि हम चाहते हैं कि भारतीय बच्चे फ्री में पढ़े, तो कहते अच्छी बात आप पढ़ा दो, बट क्योंकि पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा की पावर किसके पास चलेगी? ब्रिटेन के पास चलेगी, यानी कि रिजर्व सीट गवर्नर के पास है। गवर्नर कह रहा था पैसा मैं नहीं दूंगा, आप पढ़ा सकते हो, यानी कि इस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं पे डिफरेंसेस आने शुरू हो चुके थे। अब दोस्तों इस एक्ट में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपने जो मैंने आपको बताया था कॉमनवेल्थ एक्ट, यानी कि 1909 में तो सिर्फ मुसलमानों को दिया गया था कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशन, अब उसको कहाँ पर बढ़ा दिया गया, सिखों में, क्रिश्चन में और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस में, यानी कि अब वहाँ पे आके आपका जो कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया। अब देख रहे हो ब्रिटेन आपकी बात तो मान रहा है, पर जो वो करना चाहता है वो भी वो साथ साथ में करता जा रहा है, कि वो कहीं ना कहीं पे डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है कितनी शुरू से ही, यानी कि 1905 से ही उन्होंने वो पॉलिसी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। फिर दोस्तों एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया था फॉर हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। तो देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिपार्ट जो पोस्ट थी वो तो 1858 के एक्ट में खड़ी कर दी गई थी, बट यहाँ पे हाई कमिश्नर की भी पोस्ट की गई थी यहाँ के। अब हाई कमिश्नर का काम क्या था, जो काम थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के थे उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर दोस्तों यहाँ पे एक CPSC यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, कि आप एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दीजिए, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना दीजिए, जिसका निर्माण हुआ 1926 में। और ये बना कब था, ये बना था ली कमीशन के कहने पे, जो कि 1923-24 में जिसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। तो देखो कितने चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, बोला गया कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो 1919 के एक्ट में, बना कब 1926 में, बना किसके कहने पे, ली कमीशन के कहने पे बना, जो कि 1923-24 में जिसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। तो यानी कि एक ही एक्ट में हम लोगों ने तीनों की तीनों चीज़ों को यहाँ पे पढ़ लिया। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, लॉन प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट जो है उनको सेपरेट किया गया, सेपरेट कर दिया गया था जाके डायरेक्टी के अंडर था। और फिर पहले एक भारतीय का नॉमिनेट था, अब बोला गया कि 6 में से 3 जो लोग हैं गवर्नर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो कौन होंगे, वो भारतीय होंगे। तो 1909 में एक और 1919 में 3 लोगों को मेंबर बना लिया। अब चलते हैं दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट, यानी कि एक्ट ऑफ 1935। इससे पहले दोस्तों बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, कैसे, जब 1919 का एक्ट आया था तो गवर्नमेंट, तो ब्रिटेन ने बोला था कि हम 10 साल के बाद इस एक्ट को रिव्यू करेंगे। 10 साल को एक्ट को रिव्यू करने से पहले क्या हुआ, 1927 में आपको पता है क्या आया था, साइमन कमीशन आया था 1927 में। वो आया था किस लिए, वो आया था जो 1919 के एक्ट में बात की गई थी कि अगले 10 साल के बाद हम इस एक्ट के रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। तो उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन जब आता है तो वहाँ पे क्यों उसका रिवोल्ट हो जाता है, उसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सातों के सातों मेंबर कौन थे, वो थे अंग्रेज, यानी कि ऑल वाइट मेंबर्स कमेटी थी, और इंडिया उसको मानता नहीं, क्योंकि इंडिया बोलता है एक्ट आप हमारे लिए बना रहे हो, कानून हमारे लिए बना रहे हो और हमारी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे।
उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। तो याद रखना है नेहरू रिपोर्ट के हेड कौन होते हैं, मोतीलाल नेहरू होते हैं, जो कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता करते हैं। जब नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, क्योंकि वो इंडिया की तरफ से बनाई जाती है, बट उसमें एक बहुत बड़ा ट्रिक, यानी कि एक बहुत बड़ा कारण था कि नेहरू रिपोर्ट फेलियर क्यों हुई, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो नेहरू रिपोर्ट में लॉर्ड बर्किन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक बात बोली कि नेहरू के कांग्रेस एक ऐसा एक रिपोर्ट बना दे या अपना एक एक्ट बना दे जाके जिसको कि ऑल ओवर इंडिया पार्टीज मान ले। नेहरू रिपोर्ट बनती है बट उसी में कुछ ना कुछ चीज़ें मुस्लिम्स के साथ नहीं होती, क्योंकि वो बोलते हैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर दो, बात होती है सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो जीना मांगते हैं। जीना उसके काउंटर में जीना 14 पॉइंट्स लेके आएंगे 1929 में। अब देखो कांग्रेस 1928 में नेहरू रिपोर्ट ले आई, सॉरी दोस्तों, और 1929 में जीना जो हैं वो अपने 14 पॉइंट्स ले आए। अब ये हुआ क्या, मुस्लिम लीग जीना के 14 पॉइंट्स पे अड़ जाएगी, कांग्रेस 1928 की नेहरू रिपोर्ट पे अड़ जाएगी, और ब्रिटेन 1927 की साइमन कमीशन पे अड़ जाएगा। यानी कि ब्रिटेन चाहता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट मानी जाए, कांग्रेस चाहता है नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दो, और मुस्लिम लीग चाहती है जीना ने जो 14 पॉइंट किया उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए अब हिस्ट्री में एक चीज़ और होती है जिसको आप बोलते हो 1932 की आरटीसी, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1930 के ही आसपास शुरू हो जाती है, 1930-1932 तक चलती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे आपको पता है सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं पे साइमन कमीशन के ऊपर ही बात करने की बात की जाती है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो जाती है, तब दोस्तों उसके बाद ब्रिटेन जो है अपना फाइनल एक्ट लेके आता है, जिसको बोला जाता है एक्ट ऑफ 1935, यानी कि 1935 का एक्ट, जो कि फाइनल एक्ट ब्रिटेन लेके आता है इन सब चीज़ों को देखकर। अब इस एक्ट में सबसे पहली चीज़ें क्या है, 321 सेक्शन, यानी कि 321 सेक्शन को आप सिंपल भाषा में सेक्शन या आर्टिकल अनुच्छेद भी बोल सकते हो, और 10 अनुसूचियां लेके आता है, 321 आर्टिकल्स और 10 अनुसूचियां। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, एक्ट एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात करता है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात करता है, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन में भारत की तरफ से सारे, यानी कि इंडियन प्रोविंसेस से भी सारे होंगे, और प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रजवाड़ों को भी वो चाहते थे कि आप साथ में मिला लीजिए, बट ये ऑल इंडिया फेडरेशन जो है ये कभी भी पॉसिबल नहीं हुई, ये कभी भी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम प्रोविंसेस के साथ जुड़ें, तो ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बनी कभी भी, ठीक है। उसके बाद एक्ट ने जो है अब आपकी जो पावर्स हैं उनको तीन हिस्सों में बांट दिया, यानी कि सेंटर की पावर, स्टेट की पावर और कंकरेंट पावर, जिसको आप बोलते हो समवर्ती सूची, यानी कि राज्य सूची, सॉरी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची का मतलब हो गया सेंट्रल लिस्ट, राज्य सूची का मतलब हो गया प्रोविंशियल लिस्ट, और समवर्ती सूची का मतलब हो गया कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची वो मैटर जिस पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर कानून बनाएगा, प्रोविंशियल यानी कि सिर्फ और सिर्फ राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी कि सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। अगर रेजिडरी पावर, रेजिडरी पावर्स का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी चीज़ पे कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न कौन दूर करेगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल और वाइस, यानी कि उसका डिसीजन जो भी है वो फाइनल होगा। अब दोस्तों मैंने आपको डायरकी सिस्टम बताया था, क्योंकि डायरकी सिस्टम में मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई थी कि क्या होता था कि कैसे डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब आप पैसा ही रिलेट नहीं करोगे, तो अगर आप अपनी पावर को डिवाइड भी कर रहे हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एजुकेशन में आप चाहते हो कि किसी को पैसा, किसी को मुफ्त में पढ़ाया जाए और आपको उसके लिए पैसा चाहिए और आपको वहाँ से फाइनेंस नहीं मिलता, तो जो भी आपकी पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी फेल हो जाएंगी, कभी भी इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगी। तो इस चीज़ को स्टेट में, तो यानी कि प्रोविंसेस में तो डायरकी को
ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का स्टार्टअप हो गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब कि अब सारी की सारी पावर स्टेट के पास है, जैसे कि मॉडर्न इंडिपेंडेंस में होता है कि स्टेट अपने अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, तो उसको बोला जाता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और दूसरी चीज़ क्या हुई, अब इस चीज़ को डायार्की को सेंटर में ले जाया गया, यानी कि सेंटर में डायार्की की प्रोविंसेस जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया, डायार्की सेंटर में स्टार्ट हो चुकी है। तो 1937 में इसको डायार्की को सेंटर में स्टेट किया गया, स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, एडॉप्शन ऑफ डायार्की एट दी सेंटर। फिर दोस्तों फेडरल सब्जेक्ट्स तो थे, उनको भी डिवाइड किया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसाइड किया था हमने 1919 में, अब 1935 में फेडरल सब्जेक्ट को भी रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में चेंज कर दिया गया। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, बाई कैमरलिज्म। तो मैंने आपको बताया था 1919 के एक्ट में कि बाई कैमरलिज्म की बात की गई थी, बट बाई कैमरलिज्म स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, छः राज्यों में यूज़ किया गया, छः प्रोविंसेस में आउट ऑफ द 11। तो नाम लिखने इतने इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी हुई है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो यहाँ पे बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय की द्विसदन खुलेगी, यानी कि दो सदन खुलेगी। फिर दोस्तों काउंसिल ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर काउंसिल बनी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर, 15 सदस्यीय काउंसिल हमने पढ़ी थी सबसे पहले आज के इलेक्शन में कि 15 मेंबर्स काउंसिल बनती है 1858 में, उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया जो 1858 की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल बनी थी। फिर दोस्तों यहाँ पे कॉमनल इलेक्टोरेट को कहाँ पर बढ़ा दिया गया, फॉर दी शेड्यूल कास्ट, यानी कि आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो कहाँ पर बढ़ा दिए गए, फॉर दी स्केड्यूल कास्ट, अब वो वहाँ पे भी बढ़ा दिए गए। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट आता है दोस्तों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट ने एस्टेब्लिशमेंट यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई थी, जो कि क्या करेगा, आपकी करेंसी और क्रेडिट को जो आपने उधार लिए उसको चेक करेगा। फिर दोस्तों एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बनाने की बात की गई, ठीक है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप इसको बहुत ध्यान से दोस्तों, मैं चाहता हूँ इस एक्ट को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि यही एक्ट है जो आगे जाके आपको पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसको आप बोलते हो लोक सेवा आयोग, यानी कि आज के टाइम पे आप पढ़ते हो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फेडरल का मतलब यही था, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और इकट्ठे यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा राज्य इकट्ठे होके अपने लिए कॉमन एग्जाम करवा सकते हैं फॉर विद द हेल्प ऑफ यूपीएससी। फिर दोस्तों एक फेडरल कोड बनाने की बात की गई, 1937 में फेडरल कोड बनेगा, जो कि मॉडर्न डे आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो जो ये फेडरल कोड 1937 में बना, यही आगे जाके आपका सुप्रीम कोर्ट बना। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया था, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को और यूरोपियंस को भी, और कहीं ना कहीं पे कॉमनल इलेक्टोरेट किसको दिए गए थे, टू दी स्केड्यूल कास्ट, जिसको आप सांप्रदायिक पंचायत भी बोलते हो। ठीक है, फिर बर्मा और एडन को जो है भारत से सेपरेट कर दिया गया। तो यानी कि आप देखो 1935 तक बर्मा यानी कि जो म्यांमार था वो भी इंडिया का पार्ट था, बट 1935 में उसको इंडिया से अलग कर दिया गया। और फिर उड़ीसा और सिंध यानी कि दो नए राज्य प्रोविंसेस बनाए गए, जिनका नाम क्या था, उड़ीसा और सिंध, इनको भी क्रिएट किया गया। देख रहे हो आपके कैसे कैसे, अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि तीन चीज़ों कैसे मिला के आपने ये एक्ट जो है वो फाइनल एक्ट प्रेजेंट किया गया। अब दोस्तों हमें पता है कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई इसके बाद, और फिर एक्ट आता है 1947 का, जबकि इंडिया और ये डिसाइड हो चुका था तब तक कि अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हैं, यानी कि भारत का बंटवारा। तो इस एक्ट में सबसे पहले क्या बोला गया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और 15 अगस्त 1947 को दो राज्य बनेंगे, यानी कि दो देश बनेंगे, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके भी इस एक्ट को आपने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें थी, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें यानी कि एक तो क्या क्या चीज़ें की थी, जब आप दो देश बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपने ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को
ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, यानी कि हर देश जो है अपने हिसाब से अपना कानून बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे देगी कि जो संविधानिक सभा है उसको पूरी पावर दे देगी कि वो जिस हिसाब से चाहे वो अपना कानून बना सकता है। और 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिया को आज़ाद कर दिया गया। तो और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या याद रखनी है आपने कि जो रजवाड़े थे यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये फ्रीडम दे दी गई कि आपके ऊपर पावर है कि आप चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो। जिसके अंदर जब आप पढ़ते हो मॉडर्न डे कश्मीर का जो इशू है वो यहीं से ही कहीं ना कहीं पर खड़ा हुआ था, क्योंकि कश्मीर के राजा को ये पावर दे दी गई थी कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2। आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें समझ लगी होंगी और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है tufanipahadi19@gmail.com और हमारा मोबाइल नंबर है 7814622609। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि अब अगले लेक्चर में हम लोग पॉलिटी के अगले कंपोनेंट्स को भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे।